लियोनार्डो दा विंची, ये एक ऐसा नाम है जिसे हर आर्टिस्ट जानता होगा, पर आज मैं उनकी आर्ट लाइफ को एक तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करूँगा, ये मेरा रिसर्च है, मेरी स्टडी है और मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहें और प्लीज़ देखें इस वीडियो को। वैसे तो लियोनार्डो दा विंची के ऊपर आप बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, आपको बायोग्राफी मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी, लेकिन उनके काम से रिलेटेड इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। नॉर्मल बातें शायद सबको पता होगी कि वो पेंटर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, स्कल्प्टर थे एंड आर्किटेक्ट भी थे, पर इन सबको साइड में रखते हुए अगर हम ध्यान दें कि उन्होंने काम कैसे किया, अपने आर्ट लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनकी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की गई पेंटिंग है, और इस पेंटिंग के बारे में मोस्टली लोगों ने सुना होगा और लोग जानते भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता ही है। वेट, मैं धीरे धीरे और डिटेल में जा रहा हूँ। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है जिसे बनाने में 16 साल लग गए, सिर्फ उनके फेस को बनाने में ही 12 साल लगे। अगर इस पेंटिंग की डिटेल में बात की जाए तो इसके अंदर 30 लेयर्स हैं। लियोनार्डो दा विंची ने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, एक एक लेयर पे काम किया है, और जितना ज़्यादा वो लेयर लगाते थे उतना ज़्यादा वो स्मोकी इफेक्ट देता था, और वो इसी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा लेयरिंग करी है उन्होंने। इसमें इतने छोटे ब्रशेस का इस्तेमाल किया गया है कि हमारे एक बाल के बराबर हो सकते हैं, और इसके स्ट्रोक्स इतने छोटे हैं कि हम अपनी आंखों से इसे देख भी नहीं सकते। तो अब बात आती है इसे बनाया कैसे गया। लियोनार्डो दा विंची इतने ज़्यादा पैशनेट थे कि वो जब भी कुछ पोर्ट्रेट बनाते थे, उस पोर्ट्रेट को बनाने से पहले वो शहर शहर घूमते थे और लोगों के फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ते थे, उन्हें ऑब्जर्व करते थे, उसके बाद वो अपनी पेंटिंग में उसे एक तरीके से उतारने की कोशिश किया करते थे। मोनालिसा शुरू में एक कमर्शियल वर्क था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर पर्सनली काम किया, और पर्सनल होने की वजह से उन्होंने इस पर बहुत आराम से काम किया। कहा जाता है कि ये पेंटिंग अभी भी अनफिनिश्ड है, उनके मरने के बाद ये पता चला कि वो अभी तक अनफिनिश्ड है। इस बात को जान के हम ये समझ सकते हैं कि उनका पेशेंस लेवल कितना ज़्यादा हाई था। वो पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने साइंस और पेंटिंग को मिक्स किया। उनकी ड्राइंग एनाटॉमी स्टडी इतनी ज़्यादा हाई लेवल होती थी कि वो इंटरनल ऑर्गन्स तक को ड्रॉ करते थे। वो सच में एक जीनियस थे, उन्हें नेचर और एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था। मोनालिसा पेंटिंग में भी उन्होंने बैकग्राउंड में नेचर को दिखाया है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग और ज़्यादा सुंदर और डिफरेंट लगती है। सो अब हम बात करते हैं इसके टेक्निक और इसके मेथड के बारे में। इस पेंटिंग को बनाने के लिए सुफोमेटो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने पर सुफोमेटो का इस्तेमाल हुआ है ये तो हर कोई आपको बता देगा, लेकिन सुफोमेटो है क्या? बेसिकली इट्स अ टेक्निक ऑफ मेकिंग वेरी सॉफ्ट एंड ब्लर्ड ब्रश स्ट्रोक्स, ऐसे ब्रश स्ट्रोक जिन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से किया गया हो और देखने में बहुत ज़्यादा ब्लर लगे, जिसमें कलर्स एंड टोन्स का बहुत सॉफ्ट ट्रांजिशन हो, कोई भी कलर आपस में एक दूसरे से अच्छे से सॉफ्टली ब्लेंड हो जाते हों। ये बहुत ज़्यादा मिनी स्केल में होता है, अनडिटेक्टेबल होता है, एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके की शेडिंग बोल सकते हो आप, एक तरह से इम्पेस्टो ब्रश स्ट्रोक्स का ऑपोजिट मान लो। इट्स क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मोर बिलीवेबल इमेज, देर इज़ नो हार्श आउटलाइंस, इसमें ब्लर आउटलाइंस होती हैं ताकि वो बैकग्राउंड से बहुत डिफरेंट ना लगे। इसमें एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसे क्लोज वैल्यू रेंज भी कह सकते हैं, और इस वीडियो में आपको बना के दिखा रहा हूँ कि एजेस कैसे एक टोन से दूसरे टोन के साथ ब्लेंड होते थे। हर टोन बहुत सॉफ्ट तरीके से किया जाता था, धीरे धीरे बहुत छोटे ब्रशेस से, और उन्हें फिर धीरे धीरे ब्लेंड कर दिया जाता था ताकि वो बहुत ज़्यादा अलग ना लगे, बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सिंपली अगर समझाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि दो अलग टोनों को बीच में बहुत स्मूथली मर्ज किया जा रहा है, मतलब दोनों टोन को एक तरीके से स्मूथली ब्लेंड कर रहे हैं हम। सो आप सुफोमेटो टेक्निक को जान ही गए होंगे। इस टेक्निक को बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपने काम में इस्तेमाल किया, जैसे कोराजियो, राफेल, जॉर्जियो ने, ये कुछ फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने सुफोमेटो यूज़ करके बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई और अपनी पेंटिंग में विजुअली बिलीवेबल इफेक्ट्स डाले, और आज तक इस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है और हर आर्टिस्ट से एक तरीके से इस्तेमाल करता है, पर इस टेक्निक को मोनालिसा के बाद ही एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धता मिली। यह पेंटिंग बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, शायद इसलिए इस पेंटिंग में ESRF ने 6 साल का रिसर्च किया और पता चला कि इसके सुफोमेटो टेक्निक में ही ग्लेजिंग यूज़ किया गया था,
इसकी एक एक लेयर 1 या 2 माइक्रोमीटर की थी और एक एक लेयर सूखने के बाद इस पे काम किया था और बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने काम किया था। इस पेंटिंग में एरियल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसका सिंपली मतलब होता है ऊपरी व्यू, एक तरीके से बर्ड आई। पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो दूर की चीज़ छोटी है और पास होते होते वो बड़ी हो गई है। इसमें हम एटमॉस्फेयर पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर की वजह से पीछे चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। वह कौन कौन से कलर यूज़ करते थे ये जानने के लिए इसे स्टॉप करके देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी और मेन टॉपिक के बारे में, डीप स्टडी ड्राइंग। जैसे कि आपको पता ही है कि वो एक इंजीनियर थे, इसलिए जब भी वो ड्राइंग बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करते थे, एक एक चीज़ को नाप के तोल के और उसे एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाते थे। मेनली उन्हें ड्राइंग के साथ साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता था, वो बहुत ज़्यादा इंटरनली जाके स्टडी करते थे और इन्हीं कारणों से उनकी ड्राइंग इतनी परफेक्ट थी कि उन्हें बाद में पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एक उनका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना और आज आप जानते हैं कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे। आज इन सभी टेक्निक और इन सभी मेथड को कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एक तरीके से अपने कामों में इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और उनकी स्टडी और ड्राइंग को देख के ही कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को पैटर्न और स्टडी का महत्व समझ में आया है और लियोनार्डो दा विंची की आर्ट लाइफ से, उनकी पेंटिंग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये उनकी 7 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप धीरे धीरे स्टॉप करके पढ़ लेना। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ बने रहें, स्टे ट्यून। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसे आप क्लिक करने वाले हो, तो सी यू देयर।